वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू मैगजीन। मौलाना रूम लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि शैतान से दलीलों से नहीं जीता जा सकता। वो कैसे? वो इस तरह कि शैतान की फितरत में जिला डालना, वो चोरों का उस्ताद है। मार्फत की बातें शैतान फंसाने के लिए करता है। कौम नू, कौम आद, नमरूद, अबू लहब और इसके अलावा को उसने तबाह किया। शैतान कहता है कि मैंने अपनी जानिब से कोई मुंह काला नहीं किया, मैं तो नेक और बद दोनों को जाहिर कर देता हूँ, और मैं खुदा नहीं कि नेक और बद बनाऊँ, मैं तो कड़वे खुश्क दरख्त को काट देता हूँ। चूँकि दिल का खुश होना ही जुर्म है और वो आब हयात को जज़ब करने वाला नहीं होता, इसलिए खुश्क हो जाता है। कड़वी शाख को अच्छे के साथ पैवंद करके वसल दी तो उसके बावजूद में असर करके इसलाह हो जाती है, इसलिए शायद हक से पैवस्त होकर मेरी इसलाह हो जाए। शैतान से दलीलों से नहीं जीता जा सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अस्मा का इलम होते हुए भी बहक गए और तमाम मक्कारी नफ्स की गुमराही में पना है। तो इस बात को बयान करने की वजह मौलाना रूम फरमाते हैं कि शैतान से दलीलों से नहीं जीता जा सकता और शैतान मार्फत की बातें फंसाने के लिए करता है। तमाम बुराइयों को जड़ और नफ्स की मकारी है। अगर नफ्स की इसलाह कर ली जाए और नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पा लिया जाए तो यकीनन इंसान आला व अरफा मर्तबा पर फाइज हो सकता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल उर्दू मैगज़ीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।